अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे पाइनएप्पल मॉकटेल, जिसके लिए हमें चाहिए, हमने 4 बड़े चम्मच, 4 टेबल स्पून अनानास लिया है, इस तरह से स्लाइस में काट लिया है, और 3 क्यूब्स हमने बर्फ़ के लिए हैं, और चुटकी भर नमक लगेगा, और 1.5 टेबल स्पून हमने शक्कर लिया है, क्योंकि हम इसमें स्प्राइट डाल रहे हैं इसलिए हम इसमें शक्कर कम डालेंगे। और अगर आप सादा सोडा ले रहे तो आप शक्कर फिर और आप शक्कर की क्वांटिटी और बढ़ा देना, अगर आप सादा सोडा ले रहे, क्योंकि वो बिना शक्कर के रहता है। स्प्राइट में ऑलरेडी शक्कर है, बोल के हम इसमें 1 से 1.5 टेबल स्पून शक्कर डालेंगे। और ये पाइनएप्पल सिरप लिया है हमने, ये हम 1 टेबल स्पून पाइनएप्पल क्रश से इसे 1 टेबल स्पून डालेंगे। और वनीला आइसक्रीम लिया है, जो हम ये 2 ग्लास के हिसाब से बना रहे हैं, तो इसमें टोटल 4 से 5 इसको आइसक्रीम डालेंगे। तो हम सबसे पहले एक जार लेंगे, और उसमें फिर सबसे पहले हम ये पाइनएप्पल डालेंगे, फिर उसके बाद हम ये जो बर्फ़ रखा था वो डाल देंगे, फिर ये शक्कर 1.5 टेबल स्पून डाले हमने, और बस चुटकी भर नमक डालेंगे, और ये पाइनएप्पल क्रश डालेंगे हम इसमें, 1 से 2 टेबल स्पून डालेंगे, 2 टेबल स्पून। अब इसको हम आइसक्रीम डाल के इस तरह से इसमें हम आइसक्रीम डाल के फिर आइसक्रीम डाल के इसको हम मिक्सी में पीस लेंगे। ये पाइनएप्पल और आइसक्रीम को हमने पीस लिया है, अब इसको हम एक ग्लास में निकालेंगे। सबसे पहले हम ये पाइनएप्पल क्रश 1 टेबल स्पून डालेंगे, इस तरह से डाल देंगे। फिर अब इसके बाद इसमें हम इसके बाद हम इसमें ये हमें इसमें थोड़ी जगह इसलिए रहने देना है क्योंकि अभी इसमें स्प्राइट भी आएगा। अब इसमें हम ऊपर एक इसको आइसक्रीम की डालेंगे, अब इसमें धीरे धीरे स्प्राइट डालेंगे, इस तरह धीरे धीरे स्प्राइट डालेंगे। इस तरह फुल भर देंगे ग्लास को, हम उसको ये इस तरह एक पाइनएप्पल के से गार्निशिंग करेंगे, ये इस तरह इसमें लगा देंगे, और इस तरह से एक चेरी लगा देंगे। लीजिए, ये हमारा पाइनएप्पल मॉकटेल तैयार है।